हे गाइस, क्या हालचाल। आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस के अंदर ओरिजिनल आईफोन 14 यानी iOS 16 के इमोजी को इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे हाथ में अभी रियलमी GT Neo 2 और आईफोन 11 है जो iOS 16 पर अपडेटेड है। मैं अगर साइड बाय साइड आपको दोनों डिवाइस का इमोजी दिखाऊं तो आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी iOS 16 का इमोजी इस रियलमी फोन पर इंस्टॉल कर लिया हूँ। आपके किसी भी रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस पर कैसे करोगे सबसे आसान तरीका अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो डालते हैं। और ज्यादा बात हम नहीं करते दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पर इंटरनेट में आपको काफी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, हमने भी ऐसा वीडियो काफी डाले है, बट आज की इस वीडियो की तरह आसान और प्रॉपर गाइडेड वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो लेट्स बिगेन। ओके, आपको अपने फोन में किसी भी एक ब्राउजर ओपन करना है। मैं जैसे क्रोम को ओपन किया, देन सर्च बार पर आपको टाइप करना है iOS 16 इमोजी एंटीपोर्टर, और आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का पोस्ट मिल जाएगा जिसका टाइटल रहेगा iOS इमोजी इन एंड्रॉइड 2022। इसके अंदर आना है। पोस्ट पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, फिर भी चाहे तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जो करना है पोस्ट के एकदम नीचे आना है। डाउनलोड सेक्शन के नीचे 40 सेकंड का एक टाइमर है, तो इधर आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना है। देन डाउनलोड नाउ का एक बटन मिल जाएगा, इस पर प्रेस करना है। मेगा ड्राइव खुल जाएगा, देन आप इधर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होने के बाद इस ऐप को इंस्टॉल भी कर लेना है। अभी आपको जाना है सेटिंग पैनल पर, सर्च करना है रीजियन, लैंग्वेज एंड रीजियन पर आके रीजियन म्यांमार सिलेक्ट करना है। ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना इमोजी चेंज नहीं होगा। रीजियन म्यांमार करने के बाद आपको नया एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सपोर्ट डाई कैरेक्टर का, इसको आपको ऑन कर देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको अपने सेटिंग पर आके सर्च करना है सपोर्ट। सपोर्ट लिखते ही आपका जो सपोर्ट डाई कैरेक्टर है वो मिल जाएगा, देन इसके अंदर आके ये ऑन कर देना है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके फोन पर iOS 16 यानी आईफोन का इमोजी आ गया है। वीडियो को अभी भी स्किप मत करो यार, एक सेटिंग अभी भी बाकी है। शायद आपने नोटिस किए हो आपके फोन का जो टाइम है वो गलत बता रहा है। थोड़ी देर पहले आपने म्यांमार कंट्री सिलेक्ट किया था, इसलिए टाइम भी उस कंट्री का दिखा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए अभी जो सेटिंग बताता हूँ इसको फॉलो करो। सेटिंग पैनल पर आके आपको सर्च करना है डेट एंड टाइम, देन इस स्पेस पर आके सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑप्शन को ऑफ कर देना है। एक दो सेकंड वेट करना है, देन वापस इसको ऑन कर देना है, और आप देख पाओगे आपका जो गलत टाइम वाला इशू था वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जो ये वीडियो लास्ट तक देखे उनके लिए एक बोनस ट्रिक तो बनता ही है। अगर आपको इमोजी के साथ कीबोर्ड भी एप्पल का चाहिए तो सिंपली आपके जीबोर्ड के सेटिंग आइकन पर टैप करो। थीम सेक्शन पर आके कलर्स ऑप्शन से थर्ड नंबर कलर को सिलेक्ट कर लो, देन ये की बॉर्डर ऑप्शन को ऑन करके अप्लाई कर लो। बात करूं कैसे आप इस इमोजी को अनइंस्टॉल करके अपने पुराने एंड्रॉइड इमोजी पर बैक आ सकते हो, ये भी काफ़ी आसान है दोस्तों। आप अपने सेटिंग से जाके रीजियन कोई दूसरे कोई कंट्री कर दो म्यांमार छोड़ के, तो आपका जो इमोजी है वो बिल्कुल एंड्रॉइड जैसा हो जाएगा। या फिर सपोर्ट डाई कैरेक्टर का जो ऑप्शन आपने ऑन किया था उसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद ही जो इमोजी है वो नॉर्मल एंड्रॉइड जैसा हो जाएगा। आज तक इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।